Hello everyone, welcome to this channel. I am CS Ritu. This video is about Vedanta Limited. I have received a lot of queries about Vedanta dividend, when the company is expected to pay dividend. A lot of people are asking. So I thought of making a separate video regarding this. Also, a few days before, a news came in Vedanta that company is expected to make a dividend announcement soon and the company will pay a special dividend. So about all these things we'll discuss in this video. So let's start this video. Please support us, please do like this video and please do subscribe to this channel. Vedanta Limited एक टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी है. कंपनी का डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है. डिविडेंड ईल्ड अगर हम देखें इस कंपनी की तो 18.2% की डिविडेंड ईल्ड है Vedanta Limited की. इस ईयर की ही अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी दो बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर चुकी है. फर्स्ट इंटरम डिविडेंड कंपनी ने पे किया है एट द रेट ऑफ 31.5 पर इक्विटी शेयर. ये डिविडेंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अप्रूव हुआ था जो हुई थी 28 अप्रैल 2022 को. इसके बाद एक और डिविडेंड कंपनी ने पे किया है सेकंड इंटरम डिविडेंड. ये डिविडेंड कंपनी ने पे किया है एट द रेट ऑफ 19.5 पर इक्विटी शेयर. ये डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूव हुआ था जो हुई थी 19 जुलाई 2022 को. अगर इन दोनों डिविडेंड को हम टोटल करें तो इस ईयर में अभी तक ₹51 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड Vedanta Limited अपने शेयर होल्डर्स को पे कर चुकी है. सो एज वी हैव सीन कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में दो बार इंटरिम डिविडेंड पे कर चुकी है. कुछ दिन पहले Vedanta Limited में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये आई थी कि कंपनी एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करने वाली है बहुत जल्द और कंपनी ने अपने जनरल रिजर्व का बैलेंस जो है वो रिटेन प्रॉफिट्स में ट्रांसफर किया है डिविडेंड पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को. तो इस न्यूज का एनालिसिस भी यहाँ पर करना बहुत जरूरी है बिकॉज ये डिविडेंड पे आउट से रिलेटेड है. तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी का कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है और इस कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का जो भी जनरल रिजर्व का बैलेंस था जो कि था 12,857 करोड़, स्पेसिफाइड डेट पर जो जनरल रिजर्व का ये बैलेंस था कंपनी के पास, कंपनी ने इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर किया है एंड इसी के लिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लिया है और कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इस स्कीम को अप्रूवल भी यहां पर दे दी है. यहां पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कंपनी ने ये कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन किया क्यों है. कंपनी ने यहां पर यह बताया है कि कंपनी ने ओवर द ईयर सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अर्न किया है और उस प्रॉफिट को कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से रिजर्व्स में भी ट्रांसफर किया है. लेकिन अब कंपनी का ये व्यू है कि जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है, जनरल रिजर्व में जो फंड पड़े हैं कंपनी के पास, वो एक्सेस में है ऑफ कंपनीज एंटिसिपेटेड ऑपरेशनल एंड बिजनेस नीड इन द फोर्सिएबल फ्यूचर. वो कंपनी की नीड से ज्यादा है फंड जो जनरल रिजर्व में इकट्ठे हो गए हैं और इसीलिए कंपनी शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कंपनी इन फंड्स को रिटेन प्रॉफिट्स में ट्रांसफर करना चाहती है और इसीलिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लिया है इस कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन. कंपनी का कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल चुका है. तो क्या कंपनी स्पेशल डिविडेंड देगी या कंपनी डिविडेंड यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो अगर हम स्कीम को पढ़ें जो स्कीम ऑफ कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर 4.10 क्लॉज में कंपनी ने यह बताया है कि जो ट्रांसफर कंपनी ने किया है ये कंपनी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कंपनी इसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी ही शेयर होल्डर को, लेकिन कंपनी इन इस ट्रांसफर से शेयर होल्डर की वैल्यू को जरूर एनहांस करेगी. ये भी इस स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में मेंशन किया गया है. स्कीम ऑफ कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन के होने की वजह से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लगती है, इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं. लेकिन अगर हम पास्ट ट्रेंड्स को यहां पर देखें, पास्ट ट्रेंड क्या है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो लास्ट डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया था, सेकेंड इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया था और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी 19 जुलाई को, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया था. 28 जुलाई को कंपनी के रिजल्ट आए थे जून क्वार्टर के, तो जून क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था. अब यहां पर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं सितंबर क्वार्टर के 28 अक्टूबर को, तो 28 अक्टूबर से पहले कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है पास्ट ट्रेंड्स को अगर देखा जाए तो, इसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है. एंड ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी 28 को जब मीटिंग हो उसमें डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, लेकिन जो कंपनी का मीटिंग का नोटिस है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी एजेंडा है. इस मीटिंग का एजेंडा जो 28 अक्टूबर की मीटिंग है, इसका एजेंडा कंपनी ने रिजल्ट्स को अप्रूव करने का ही बताया है कि इस मीटिंग में सेप्टेम्बर क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी अप्रूव करेगी. डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा या होगा इसके बारे में साइलेंट है, नोटिस में कुछ भी मेंशन नहीं है. तो यहां पर पास्ट ट्रेंड्स को अगर मैं देखूं तो मेरा फाइनल कंक्लूजन यहां पर
ये है कि कंपनी पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से मीटिंग से पहले डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो मीटिंग 28 को है, 28 से पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है कंपनी। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि मीटिंग में ही 28 को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। तो यहाँ पर शेयर होल्डर जो वेट कर रहे हैं कि डिविडेंड कंपनी कब डिक्लेयर करेगी, तो आप 28 तक यहाँ पर वेट करना आपको चाहिए, बिकॉज 28 तक पॉसिबिलिटी है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेदांता डिविडेंड एक्सपेक्टेशन। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज सपोर्ट अस। एंड आज धनतेरस है, सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू।